रुक करेंगे लखनऊ से बड़ी खबर। नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने समीक्षा की। लखनऊ से बड़ी जानकारी, नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने समीक्षा की। निकायों में बनाए गए रैन बसेरों की वर्चुअल समीक्षा की। ठंड में खुले आसमान के नीचे कोई न सोए, रैन बसेरा साफ सुथरे व्यवस्थित सुंदर बने हो, बेसहारा गरीबों के रुकने की समुचित व्यवस्था हो, ऐसा उन्होंने कहा है। तो बड़ी जानकारी अब तक बता रहे हैं। आपको बता दें कि नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने समीक्षा की। निकाय में बनाए गए रैन बसेरों की वर्चुअल समीक्षा की गई। अरविंद शर्मा के द्वारा ठंड में खुले आसमान के नीचे कोई ना सोए ये भी सुनिश्चित किया जाए, और साथ में रैन बसेरा साफ सुथरे हों, व्यवस्थित हों, सुंदर बने हों ये भी कहा गया है, और बेसहारा गरीबों के रुकने की समुचित व्यवस्था हो। अरविंद शर्मा ने कहा है कि रैन बसेरों में बेसहारा गरीबों के रुकने की समुचित व्यवस्था हो, इसे लेकर के निर्देश दिए गए हैं, ताकि कोई भी जो गरीब हो, जो बेसहारा हो, उनको जगह मिल जाए, छत मिल जाए सोने के लिए। कड़ाके की ठंड में वो अब रात खुले आसमान के नीचे उन्हें ना गुजारना पड़े, इसीलिए नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने समीक्षा की। निकायों में बनाए गए रैन बसेरों की वर्चुअल समीक्षा की गई। ठंड में खुले आसमान के नीचे कोई ना सोए, कोई गरीब, कोई बेसहारा ठंड में खुले आसमान के नीचे ना सोए ये सुनिश्चित किया जाए, अरविंद शर्मा ने यह कहा है। साथ ही आपको बताएं कि रैन बसेरा साफ सुथरे हों, व्यवस्थित हों, सुंदर बने हों ये भी सुनिश्चित करने का काम दिया गया। बेसहारा गरीबों के रुकने की समुचित व्यवस्था हो, अरविंद शर्मा ने यह कहा है कि ये भी सुनिश्चित किए जाएं कि वहां पर पूरी व्यवस्था हो, गरीबों बेसहाराओं के रुकने की समुचित व्यवस्था हो।